वारिस पंजाब दे जथेबंदी खिलाफ पंजाब पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। अज कार्रवाई का लगातार 16वां दिन है ते 16वें दिन भी जथेबंदी का मुखी अमृतपाल सिंह पंजाब पुलिस की गिरफ्त तो बाहर है। 12वें दिन ते 13वें दिन अमृतपाल सिंह ने दो वीडियोस ते दो एक ऑडियो कढ़िया सी, पर उस तो बाद भी पंजाब पुलिस अमृतपाल सिंह नूं ट्रेस करन दे विच लगातार नाकामयाब है। श्री अकाल तख्त साहिब दे कार्यकारी जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने भी अमृतपाल सिंह दे वल्लों सरबत खालसा बुलाए जाण दी कोई प्रतिक्रम नहीं दिता। हालांकि 7 अप्रैल नूं एक विशेष एकत्रता जरूर सदी है। दमदमा साहिब तलवंडी साबो विखे पत्रकारां नूं सद्या गया है। इस सब दे दरमियान कल टीवी चैनलां ते एक नवीं सीसीटीवी फुटेज चलदी रही, जिस विच अमृतपाल सिंह दे साथी पप्पलप्रीत सिंह दे होण दा दावा कीता जा रहा है। कि फुटेज 29 मार्च की है ते पप्पलप्रीत हुशियारपुर इलाके दे एक पिंड दे डेरे विच मौजूद है ते पुलिस भी हुशियारपुर जिले दे विच दोहां नूं लभ रही है। फुटेज तो एक दिन पहला 28 मार्च दी ही ओह रात सी जदों पंजाब पुलिस ने फगवाड़ा तो एक इनोवा गड्डी दा पिछा कीता सी। खदशा सी कि इहदे विच अमृतपाल सिंह ते उसदा सहयोगी सवार सन। खबरां दे विच इह वी दावा कीता जा रहा है कि पप्पलप्रीत सिंह ते अमृतपाल सिंह दोवें हुण एक दूसरे तो वक्ख हो गए ने। हालांकि पंजाब पुलिस ने इस बारे कोई पुष्टि नहीं की है, बल्कि अपने ट्विटर हैंडल दे उते एक ट्वीट जरूर सांझा किया है झूठियां खबरां ना फैलाउण दा। पंजाब पुलिस ने लोगों भी अपील की कि अफवाहों पर यकीन ना करो। अफवाहों पर जाली खबर फैलाने वाले भी समझना चाहिए कि वह बिना मतलब दूसरों को परेशान भी कर रहे हैं, अपने आप को भी जोखम दे विच पा रहे हैं। श्रोमणी अकाली दल लगातार इस मुद्दे पर पंजाब सरकार को घेर रहा है। कल की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस के डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा ने कहा कि पंजाब के खराब हुए माहौल के पिछे केंद्र ते सूबा सरकार का हाथ है। सरकार ने कई बेकसूर नौजवानों हिरासत में लिया, फिर 348 नौजवानों रिहा करके एक हिसाब दे नाल मन्या कि इन्हां नूं गलत हिरासत विच लिया गया सी। अकाली दल ने जिहड़े नौजवानां ते NSA लाया गया वह भी हटाउण दी मंग कीती ते नाल ही मुख मंत्री तो माफ़ी मंगण दी मंग नूं भी अकाली दल ने दोहराया है कि श्री अकाल तख्त साहिब दे ट्वीट दा उन्हां दे अल्टीमेटम दा जिस तरीके दे नाल मुख मंत्री ने जवाब दिता वह ठीक नहीं सी। चीमा ने यह भी दावा किया कि पंजाब दे विच मीडिया दे उते अनडिकलेयर्ड एमरजेंसी लाई गई है। एक वड्डी साजिश के तहत पंजाब का नाम बदनाम करने की सारी दुनिया के विच देश के विच कोशिश की गई, उदे विच सूबे की सरकार भी शामिल है, केंद्र की सरकार भी शामिल है। वड्डी पद्धर ते बेकसूर नौजवानों नू हिरासत विच लिया और हुण सरकार एडमिट भी कर चुकी है 348 नौजवानों नू छड्ड के कि ए गलत हिरासत विच लए गए। 8 नौजवानों के उत्ते जिहड़ा NSA भी ला के बड़ी वड्डी ज्यादती की गई। इस करके उस सारी घटना ते विचार करके असी अज दी फिर मंग की है कि जिहड़ा कोई नौजवान हाले अंदर है उन्हें तुरंत रिहा किया जाए। किसी भी बेकसूर के उत्ते ज्यादती जिहड़ी है वह नहीं होनी चाहिए, और जिन्होंने NSA लाया वह भी गलत लगाया गया, उन्होंने भी उन्होंने NSA हटाना चाहिए, तुरंत उन्होंने पंजाब लैके आना चाहिए। यह बहुत वड्डी जिहड़ी है ज्यादती है, यह जिहड़ियां साजिशां रच के पंजाब का नाम बदनाम किया जा रहा है इनू असी कदी भी बर्दाश्त नहीं करते। सो यह अज रेजोल्यूशन जिहड़ा है यह पार्टी की कोर कमेटी ने किया। एक जिहड़ा पंजाब के मुख्यमंत्री साहब वालों जथेदार तख्त श्री अकाल तख्त साहब के जिहड़ा ट्वीट करके जो उस महान संस्था का अपमान करने की कोशिश की है वो असी सख्त लफ्ज़ां दे विच निखेधी की, और मुख्यमंत्री साहब नूं तुरंत जिहड़ी है संगत तों भी और जथेदार साहब तों भी श्री अकाल तख्त साहब तों माफ़ी मंगनी चाहीदी है, क्योंकि इतिहास दे विच कदी अज तक किसी ने यह नहीं सोचा सी कि पंजाब दे सूबे दा मुख्यमंत्री इस तरीके जिहड़ी है तोहीन वाली शब्दावली जिहड़ी है वह मुख्यमंत्री साहब नूं ट्वीट जिहड़े इस तरह के करेगा। और नाल ही जिहड़ा जथेदार साहब दा नम्रता भरिया जवाब सी उहनूं सोशल मीडिया तों हटाउणा यह भी एक बहुत वड्डा गुनाह सी, इस करके इहदे वास्ते मुख्यमंत्री साहब नूं माफ़ी मंगनी चाहिए। एक जिहड़ी पिछले दिन मीडिया के उत्ते जिहड़ी अनडिकलेयर्ड एमरजेंसी लगाई गई उहदी भी असी निखेधी की है। पहलां अजीत अखबार के नाल बहुत वड्डा वितकरा होया, फिर वख-वख यूट्यूब के फेसबुक पेजस से ट्विटर के हैंडल पत्रकारां दे उत्ते जिहड़ी है उहनां दे आवाज़ बंद करने की जिहड़ी कोशिश की गई है। ये असी समझते हैं कि जिहड़ी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रैशन है उहदे खिलाफ़ है, और इस सरकार ने केजरीवाल के हुक्मां दे उत्ते जिस तरीके केंद्र सरकार नाल रल के ते मीडिया की आवाज़
ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।